जी, आई एम आसफ इस्माइल. आई एम फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ OMYS 2002 टिल 2006. आई एम फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ मेमन प्रोफेशनल फोरम. राइट नाउ आई एम प्रेजिडेंट कॉमिक्स कॉमिक्स ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन. ये बहुत ही एक्सेलेंट इवेंट था और ये स्पीक आउट कॉम्पिटिशन था और ये आपको कॉन्फिडेंस, नेवर गिव अप एंड यू कैन डू बेटर इन फ्यूचर, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है. और इस तरीके के इवेंट होते रहने चाहिए, इससे आपकी एबिलिटी इन्हेंस होती है और आपकी प्रोफेशनल अप्रोच इन्हेंस होती है और यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ स्पीक अप प्रोग्राम्स एंड इट इन्हेंस योर कैपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी एंड योर विजन्स एज वेल. व्हेन यू कम यू हैव द गुड, यू मीट विद लॉट ऑफ पीपल, यू लर्न एंड यू हैव द गुड नेटवर्किंग और इससे जो है फ्यूचर की ग्रूमिंग में और फ्यूचर में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. और प्रोफेशनल फील्ड में जो अपने जो एंटरप्रेन्योर हैं या जॉब करते हैं उनकी स्किल एनहेंसमेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और इसके थ्रू आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं. क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल इज़ एन आर्ट, इट्स एन साइंस और ट्राई टू डू एक्सटेम्पो प्रेजेंटेशन रादर देन खबरनामा पढ़ें, आप देख के पढ़ें, एक्सटेम्पो प्रेजेंटेशन करें. तो वो जब आप दिल से बात करते हैं तो लोग को उसकी जो है सिंसियरिटी और लोग उससे लर्न भी करते हैं. आई एम थैंकफुल टू मेमन टीवी एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू PWO विंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स मेमन न्यूज़. अब्दुल रशीद गनात्रा, एक्स प्रेसिडेंट ओखाई मेमन न्यूज़ सर्विसेज. आज का जो प्रोग्राम था ये एक बड़ा शानदार प्रोग्राम था. छोटे बच्चों को देख के जो इस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने जो है वो अपने टॉपिक्स को जिस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जो इनके जो वर्डिंग का सिलेक्शन था, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, एक्सीलेंट. मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं तमाम मेमन जमातों से गुजारिश करूँगा कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है. हमें अपने यंगस्टर के ऊपर इसी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म देने पड़ेंगे ताकि वो हमारी बरादरी के अंदर भी एक्टिव हों और मुल्क का भी नाम रोशन करें. आखिर में मैं मेमन न्यूज़ का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज ये मीडिया का दौर है और इसमें मेमन कम्युनिटी के अंदर ये जो इनिशिएटिव मेमन न्यूज़ ने लिया है मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसकी मैनेजमेंट जो है वो इसी तरह जो है ना वो तमाम प्रोग्राम्स की कवरेज करती रहेगी, इसी तरह हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करेगी ताकि हमारी कौम को ये इनक्रेजमेंट भी मिले और हम मीडिया में भी अपना एक रोल प्ले करें. आई एम मरियम आरिफ एंड आई एम द विनर ऑफ द प्रोफेशनल कैटेगरी ऑफ दिस इवेंट टुडे दैट वाज हेल्ड इन कोलैबोरेशन विद ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज एंड द APMF हेल्ड एट द APMF ऑडिटोरियम. सो आई एम मरियम आरिफ एंड आई एम अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग my MBBS from Jinnah Sindh Medical University. Today the topic of my talk was failure, a word unknown, and it did receive a very good overwhelming response from the audience, and I definitely look forward to more and more initiatives where we encourage public speaking and where we give every participant and every student a chance to polish their skills and give them the ability and confidence to interact with the audience. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आयशा रफ़ीक है और मेरा ताल्लुक वडाल मेमन अंजुमन जमात से है. आज मैं यहाँ पर APMF के ऑडिटोरियम में हूँ. ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज ने जो स्पीक आउट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था उसके फाइनल्स में मैं स्टूडेंट्स कैटेगरी से थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट फर्स्ट पोजीशन. मेरा जो टॉपिक आज का था दैट वाज टुगेदर वी कैन एंड आई रियली बिलीव इन इट और इसी टॉपिक से आज मैंने विन किया है. ये जो प्लेटफॉर्म ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज ने आज प्रोवाइड किया है हमें, आई थिंक ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सारे यंगस्टर्स के लिए. मुझे और जितने भी स्टूडेंट्स दूसरे थे मेरे साथ उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है. सो आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसे और कॉम्पिटिशन में ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहिए. सो थैंक यू फॉर OMYS टीम. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.